हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। एनर्जी वाला चैप्टर चालू कर रखा था हमने, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया था। एनर्जी के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। उसके बाद में अब हमें क्या करना, मैंने ऊर्जा का एक प्रकार पढ़ाया था आपको, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा प्रकार? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा। एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो किसे कहते हैं? किसी वस्तु या कोई भी कण या कोई भी पिंड, किसी वस्तु कण पिंड या पदार्थ में गति के कारण होने वाली ऊर्जा। किसी कोई वस्तु है, अगर वो गति में आ गई तो गति से उसमें जो एनर्जी प्रकट होगी ना, उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में निहित या स्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थिति ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, बहता हुआ ये बात करो, बहती हुई हवा, इन सब में गतिज ऊर्जा होती है। और स्थित ऊर्जा तो हर वस्तु में स्थित होती है। आज की क्लास में हमें क्या करना है? उस गतिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करना है, यानी कि गतिज ऊर्जा को समझकर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तैयार करना है। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है E k equal half mv square। पूरी क्लास लेने के बाद पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। हालांकि हमने पढ़ भी लिया, एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करो, एग्जांपल है बहता जल, ठीक है। नेक्स्ट है बहता जल, बहती वायु, बहता जल और बहती वायु, ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, उड़ती हुई मिट्टी, जो भी वस्तु गति में है ना, उसमें एनर्जी है। और वो कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है। उस बहते हुए जल से, उस बहती हुई हवा से, उस बहती हुई मिट्टी से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, उनमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गतिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ई के का बराबर मतलब के मतलब काइनेटिक, और काइनेटिक बोलते हैं गतिज को। ई मतलब एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। उसका सूत्र होता है 1/2 mv2। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या है? वस्तु का वेग। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv2। अब ये सूत्र कैसे आया वो हमें सिद्ध करना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ना, ये 1/2 mv2, वो आया कैसे वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो, तो जब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आप व्युत्पन्न करना चाहते हो तो ये कैसे व्युत्पन्न किया जाएगा, ध्यान देना एक बार। कि माना कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, जिसका द्रव्यमान m है। माना कोई वस्तु u वेग से गतिशील है जिसका द्रव्यमान m है, तथा उस वस्तु पर f बल लगाने पर वस्तु u से
विवेक यू से विवेक प्राप्त कर लेती है, यू से विवेक प्राप्त कर लेती है। अतः वस्तु के वेग में, अतः वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु में परिवर्तन की दर, वस्तु में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है, वस्तु में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एक बार वापस देखो जो थ्योरी मैंने लिखी है, माना कोई वस्तु यू वेग से गतिशील है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम है, जिसका द्रव्यमान एम है, कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और द्रव्यमान कितना है एम, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है एम और इसका वेग कितना है, इसका वेग है मतलब ये यू वेग से चल रही है, यू वेग से चल रही है, किसी भी वेग से चल रही होगी कोई वस्तु। अब हमने क्या किया, उस वस्तु पर बल लगा दिया, उस वस्तु पर एफ बल लगा दिया और उसी दिशा में बल लगा दिया जिस दिशा में वस्तु चल रही थी। मान लो वस्तु अगर इधर जा रही थी तो उस वस्तु पर पीछे से क्या लगा दिया, बल लगा दिया। तो मतलब बल लगाओगे तो आपके बल लगने से जो पहले वाला वेग था वो चेंज हो जाएगा तो दूसरा वेग बन जाएगा। तो प्रारंभिक वेग यू था वो चेंज होकर वी में बदल जाता है, मतलब अंतिम वेग में बदल जाता है। क्यों बदला, क्योंकि हमने ये जो यू वेग था ना, देखो यू वेग भी इसी दिशा में है और हमने बल भी इसी दिशा में लगाया तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया। मान लो वो वस्तु 10 की स्पीड में चल रही थी, हमने बल लगाकर 20 की स्पीड पैदा कर दी तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। ये पढ़ा था हमने त्वरण, ए एक्सेलरेशन त्वरण कहलाती है। अतः गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, देखो गति का तीसरा समीकरण, समीकरण का मतलब ये आप याद करो, जब मैंने तुम्हें गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था उस समय न्यूटन एक साइंटिस्ट था सर आइजक न्यूटन, उन्होंने गति के तीन समीकरण दिए थे, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। वो गति के जो तीन इक्वेशन दिए थे, गति के जो तीन समीकरण दिए थे वो किसने दिए थे, न्यूटन ने। तो यहाँ पर मैं तीसरा समीकरण अप्लाई कर रहा हूँ और वो समीकरण क्या है, और ये जो समीकरण है ना वस्तु में होने वाली गति के लिए दिया गया है, और ये समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, इस गति के तीसरे समीकरण से हम त्वरण का सूत्र निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हो, देखो ये जो राशि है ना, ये वाली राशि, इसको इधर ले लो एक बार, u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर इसको इधर ले लो, v स्क्वायर ऐसा कर लिया, इसको ऊपर लिखते हैं एक बार, देखो यहां करते हैं क्या निकाला हमने, यू स्क्वायर, इसको वापस से ऊपर लिख रहा हूं, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। अब यहां से क्या करोगे, यहां से सिर्फ हमें a रखना, a वाली राशि, a। अब देखो ये जो राशि है ना, यहां पर u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, a क्या है, वस्तु का त्वरण, s क्या है, वस्तु का विस्थापन। तो हमें तो क्या निकालना है, त्वरण का सूत्र निकालना है, तो a बराबर इस a को यहां पर रखोगे, u इधर जाएगा तो माइनस में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये 2 और s का पर आ जाएंगे नीचे, 2s का पर आ गया नीचे। ये देखो ये हमने त्वरण का मान निकाल लिया। अब एक बार वापस आओ, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान m है, वो u वेग से गतिशील है, हमने f बल उसी दिशा में लगा दिया जिस दिशा में वस्तु चल रही थी, तो उसका वेग चेंज हो गया,
वेट चेंज होने से उसका त्वरण आया और उस त्वरण की हमने गणना कर ली गति के तीसरे समीकरण से और त्वरण आ गया हमारा एक। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक अब देखो, अतः गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से F बराबर एम ए, समीकरण नंबर दो। इस चीज को समझो, देखो जो न्यूटन था ना, न्यूटन उसने गति के तीन समीकरण भी दिए थे और गति के तीन नियम भी दिए थे। अब जो गति के जो तीन नियम है ना, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया जिसे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। उसने गति के तीन समीकरण भी दिए थे, गति के तीन नियम भी। अब जब हम गति का दूसरा नियम निकालते हैं ना, दूसरा नियम, तो गति के दूसरे नियम से किसी भी वस्तु के लिए बल की गणना हो जाती है। गति के दूसरे नियम से किस सूत्र का पता लगता है? बल का। ये मैं पढ़ा था तुम्हें पता लगता है, लेकिन इस सिलेबस में हटा दिया। तो गति के दूसरे नियम से हम बल का सूत्र निकाल सकते हैं और बल का सूत्र आप जानते हो, एफ बराबर मां, याद करो मैंने बताया था मां, एफ बराबर एम। तो समीकरण नंबर दो। अब यहां पर आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा है? ठीक है, अब देखो जो गति का, जो गति के दूसरे नियम से जो बल का सूत्र है ना, एफ बराबर एम है, इसमें ए आ रहा है ना, ए। इस समीकरण नंबर दो में इस ए का मान डालना, जो एफ बराबर एम ए आया ना, तो एम के साथ जो ए आ रहा है उस ए का मान डालना, त्वरण का। और त्वरण का मान इसको हमने समीकरण दो दिया है, तो इस एक का मान कहां से लाओगे? एक का मान समीकरण एक में ना, एक का मान ये रहा, तो समीकरण एक से समीकरण दो में एक का मान डालोगे। देख रहा, इस एक का मान डालना है और एक का मान लाओगे समीकरण एक से। देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से एक का मान यानी कि त्वरण का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक से एक का मान समीकरण दो में रखने पर, तो F बराबर M, एक का मान क्या है? एक का मान है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। ठीक है, अब इस S को भी इधर ले लो, तो F S बराबर क्या आया? M v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। या अब देखो इस m को मल्टीप्लाई करो इनसे, fs बराबर m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन टू। ये जो m है इसको गुणा कर दिया इससे और इससे, नीचे क्या है टू, एक बट ये जो ये टू है ना, इसको साइड में निकाल सकते हैं ना एक बटा दो के रूप में से, एफ एस बराबर ये अपॉन में टू आ रहा है, तो एक के दो के ऊपर एक मान सकते हैं ना, तो एक बटा दो को साइड में ले लो, ऐसे लिख लो ना, ऐसे एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। अब करना क्या है? करना हमें ये है कि ये जो एक बटा दो है, ये एक बटा दो इसके साथ भी है, ये एक बटा दो इस राशि के साथ भी है, दोनों राशियों के साथ एक बटा दो है कि नहीं है? इस एक बटा दो को पहले इससे गुणा करो, फिर इस एक बटा दो को इससे गुणा करो। देखो ऐसे एफ एस बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस एम एक बटा दो एम यू स्क्वायर, ऐसे हो गया। एफ एस बराबर एक बटा दो एम स्क्वायर माइनस एक बटा दो एम यू स्क्वायर, एफ एस बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस एक बटा दो एम यू स्क्वायर, ऐसा हो गया ना। अब हमें क्या करना है? हमें देखो ये एफ एस, अब जो एफ एस है ना, एफ एस इसको दे दो समीकरण नंबर थ्री। अब आप थोड़ा सा जोर डालो अपने दिमाग पर, एफ एस किसका सूत्र था? F into S, बल into विस्थापन। बल into विस्थापन का गुणनफल याद करो, याद करो, बल into विस्थापन होता है कार्य, बल into विस्थापन कार्य। तो इस Fs की जगह हम W लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, अतः W बराबर होता है Fs, W बराबर Fs।
इस fs की जगह क्या लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं ना, तो w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये क्या आया, कार्य। अब यहां पर जो कार्य आ रहा है, 1/2 mv स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है, 1/2 mu स्क्वायर क्या है, ये भी गतिज ऊर्जा है, दोनों गतिज ऊर्जा है, बस फर्क है तो वेग का फर्क है, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है और कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य या किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में अंतर आ रहा ना, माइनस आ रहा ना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य या किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उनकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो किसी वस्तु की, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उनकी उनकी गतिज, उनकी गतिज ऊर्जाओं के बराबर होता है। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उनकी गतिज ऊर्जाओं के बराबर होता है। किया गया कार्य W है और गतिज ऊर्जाओं में अंतर क्या हो गया, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये सूत्र दे रहा है भाई, मुझे बताओ कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, मतलब कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समान है। कार्य को आप ऊर्जा बोल सकते हो, ऊर्जा को क्या बोल सकते हो, कार्य। तो हम डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, देखो अतः फॉर्मूला क्या निकाला हमने, W इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी इससे पहले मैं एक स्टेप और कंप्लीट कर रही हूँ। मान लो अगर वस्तु, या वस्तु यू वेग से चल रही थी ना, हमने F लगाकर उसका वेग क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या होता है, U होता है। मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो, माना वस्तु का प्रारंभिक, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या है, U जीरो हो तो, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग जीरो हो तो, अब अगर ये जीरो है तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, तो W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया ना, क्योंकि ये वाली राशि तो पूरी क्या होगी, यू का मान जीरो रखोगे, यू का मान जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो होगा कि नहीं होगा, तो W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अतः कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के, कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सॉरी तुल्य होते हैं, मतलब कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य, मतलब कार्य और जो एनर्जी है ना वो एक दूसरे पर डिपेंड है, बिना एनर्जी के कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। तो हम इस W की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, E, अतः W बराबर E, तो इसकी जगह E लिख देंगे, तो E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ये प्रूफ है, E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, किसी भी वस्तु की गति ऊर्जा का निर्धारण कर लिया। अब देखो एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र ये हमें कैसे व्युत्पन्न करना है। मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वो u वेग से इस दिशा में चल रही है, हमने क्या किया इसी दिशा में बल लगा दिया, जिस दिशा में पहले चल रही थी ना उसी दिशा में हमने f बल लगाया, f बल लगाने से उसका वेग u से क्या हो गया v, और जब वेग में परिवर्तन हो जाता है तो उस भौतिक राशि को बोला जाता है त्वरण।
त्वरण का निर्धारण करने के लिए हमने गति के तीसरे समीकरण का इस्तेमाल किया और वो था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। इस वाले राशि को इधर लिख लिया, इसको मतलब पक्षांतरण कर लिया, लिख लिया ऐसे। फिर यहाँ से हमने ए का सूत्र निर्धारण कर लिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस। अब हमें क्या करना है, इस ए का मान डालना था, गति के दूसरे समीकरण से बल का सूत्र निकलता है तो एम और ए का मान डाल दिया, ए का मान डाला तो यह आ गया। फिर कुछ नहीं किया, एम को इससे गुणा किया, सॉरी पहले एस को इधर ले लिया, फिर एम को इससे गुणा कर लिया, एक बटा दो को कॉमन ले लिया, एक बटा दो को इससे गुणा किया तो यह आ गया। तो ये एस एस और डब्ल्यू डब्ल्यू का मान डाल दिया। अब वस्तु पर किया गया कार्य है उसकी गति की ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है, तो डब्ल्यू बराबर एक बटा दो एम स्क्वायर माइनस एक बटा दो एम यू स्क्वायर। तो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग जीरो है, मान लो वस्तु का प्रारंभिक जीरो, वस्तु नहीं चल रही, तो यू को जीरो मानोगे तो फिर पूरी राशि जीरो जाएगी, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, एक बटा दो एम वी स्क्वायर। और ये जो डब्ल्यू है वो एनर्जी में क्या होता है, तुल्य होता है, तो डब्ल्यू की जगह ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आ गया ई बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां से मैं एक चीज समझाऊं तुम्हें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया एक बट ई बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर। अब मैं ये कहूं कि गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, इसका लॉजिक ये है कि जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि जो गतिज ऊर्जा है किसी वस्तु की, आप गतिज ऊर्जा निकालोगे ई के निकालोगे, उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, गतिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम और वस्तु के वेग यानी कि वी, इन दोनों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उस वस्तु का वेग कितना है, किसी वस्तु में स्पीड बहुत कम है, वेग कम है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, किसी वस्तु में वेग बहुत ज्यादा है, बहुत तेज चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी वस्तु में द्रव्यमान कम है तो धीरे धीरे चल रहा है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा तो ज्यादा गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, गतिज, हाँ इस चीज को भी नोटिस करना, गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है, वेग की दिशा पर नहीं। सुन लिया ध्यान से, गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है, वेग की दिशा पर नहीं। वेग की दिशा पर निर्भर करती है ना कि वेग किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर दिशा, तो दिशा तो अगर राइट साइड में ग्राफ बना के हम खींचे तो दिशा अगर इधर है तो प्लस आएगी, दिशा अगर इधर है तो माइनस आएगी, तो फिर गतिज ऊर्जा प्लस और माइनस दोनों होती, लेकिन ऐसा नहीं है। गतिज ऊर्जा होती है ओनली ऑन पॉजिटिव, क्योंकि गतिज ऊर्जा ओनली वेग पर निर्भर करती है, उससे वेग से मतलब नहीं है, उसे इस बात से कतई मतलब नहीं है कि वेग की दिशा क्या है। अतः गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, सिर्फ वेग पर निर्भर करती है, वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये थी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहता पानी बहता जल गतिज ऊर्जा के एग्जांपल है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे आया वो मैंने निकालना सिखा दिया। क्वेश्चन ये भी है ना कि गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आपका आंसर होगा कि सर गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। फिर पूछा जाए क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा इस बात पर कभी भी निर्भर नहीं करती कि वेग की दिशा क्या है। और अगर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कैसे भी पूछ लिया जाए कि गतिज ऊर्जा की निर्भरता, गतिज ऊर्जा किस किस चीज पर निर्भर होती है, तो गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग पर निर्भर होती है, और गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग पर निर्भर है, और गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर है। गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर नहीं होती, गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं होती। क्लियर, समझ गए। तो ये टॉपिक था किसका, गतिज ऊर्जा का, वो मैंने पूरा सिखा दिया। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी
ठीक ऐसे कैसे हमें कौन सी ऊर्जा का सूत्र निरूपित करना है, हमें सूत्र निरूपित करना है स्थितिज ऊर्जा का, और स्थितिज ऊर्जा के दो दो सूत्र निकलते हैं। एक तो कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है तो उस समय क्या फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, और एक नॉर्मल किसी स्प्रिंग में गति सॉरी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, ये दोनों सूत्र हम नेक्स्ट क्लास में डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ढंग से देखना, ये नोट्स में भेज दूंगा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र अलग से बिल्कुल प्रैक्टिस करना रफ बुक में निकालने के लिए, और जो नोट्स मिल रहे हैं उनको ढंग से प्रिपेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्थितिज ऊर्जा के साथ, और जो स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक है ना जो नेक्स्ट क्लास में आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिजिक्स का एक और चैप्टर बच रहा है ध्वनि, वो कंप्लीट करके फिर तो बायो के चैप्टर है, यानी कि लगभग लगभग आपके चैप्टर एंड पर है, तीन चार चैप्टर और बच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो पहले वाले वीडियो है ना उनको भी देखते रहो, रिवाइज करते रहो, ऐसे नहीं कि जो नया वीडियो आपको मिल रहा है उसी को देख रहे हो, पुराने वाले वीडियो है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो हर टॉपिक का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ स्कूलर या आगे पे जाओ और अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, जो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपको काम मिलता है डेली का वीडियो मिलता है उसका वीडियो वॉच करो और आराम से अपने प्रॉब्लम को क्या करो शॉर्ट आउट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।